मेरा नाम शिव मित्तल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अच्छे से अच्छी कंपनी का थर्मस ले जाते हैं फिर भी उसमें दूध फट क्यों जाता है। देखिए होता क्या है कि स्टील में दूध रिफ्लेक्ट मारता है, चाहे से आपकी कोई सी कंपनी का हो, मिल्टन का हो, सेल्लो का हो, बोरोसिल का हो, कोई सी भी कंपनी का हो, स्टील में दूध रिफ्लेक्ट मारेगा प्लेन दूध। लेकिन आपको करना है कि उस प्लेन दूध को आपको प्लेन रखना ही नहीं है, मतलब उसको चाय बना दो, या तो उसमें 4-5 बूंदे चाय की पत्ती की डाल दो या 4-5 बूंदे इलायची की डाल दो, जिससे क्या उसका आपका दूध फटना बंद कर देगा। अगर आपको नहीं, अगर आपको ये नहीं करना तो फिर आपको करना ये है कि अंदर कांच ओवर प्लास्टिक वाला थर्मस आता है, क्या कोई सी कंपनी का हो, सभी कंपनी का अंदर कांच ओवर प्लास्टिक वाला थर्मस आता है, उसमें डाल दो और उसमें आपको चाय की पत्ती डालने की जरूरत भी नहीं है और दूध फटेगा भी नहीं। लेकिन उसमें एक माइनस पॉइंट है, माइनस पॉइंट ये है कि जैसे वो गिरेगा, जैसे कांच का वो गिर जाता है तो टूट जाता है, मतलब वो गिरते ही टूट जाता है, ये इसका माइनस पॉइंट है। अगर आपको वीडियो देखने से फायदा हो धन्यवाद।